ये देखो मैंने बनाया बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मोमोज, और ये मोमोज की रेसिपी देखने के बाद मैं आपको दावा कर सकता हूँ मोमोज बनाने की ऐसी टेक्निक शायद आपने नहीं देखी होगी ऑनलाइन या कहीं पे भी। आप इसको एक बार ट्राई जरूर करके देखना, मोमोज एकदम भरे हुए बनेंगे एकदम स्टफिंग से और बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। अब मोमोज बनाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोमोज का डो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये डो ही है जो मोमोज की शीटों को पतला कर सकता है, ये डो ही है जो अंदर की स्टफिंग है उसका फ्लेवर बाहर ला सकता है। तो आपने बहुत बारी सुना होगा कि यहाँ पर गर्म पानी से डो लगाते हैं, बट ये भरत किचन है। मैंने यहाँ पर बहुत रिसर्च करी है मोमोज पे और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर फ्रिज का ठंडा पानी यूज़ करना, और एंड में मैं आपको प्रूव करूँगा कि इससे कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है, आप देखना ज़रूर। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मोमोज बनाने के लिए मोमोज का आटा लगाना होगा। तो मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। अगर आप इसकी हाफ क्वांटिटी बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर हाफ कप मैदा लेना। उसमें आपने यहाँ पर नमक डालना है और नमक के साथ मैंने यहाँ पर डाला है 1/2 कप पानी। ये पानी ही सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एकदम फ्रिज वाला पानी है, यानी काफी ठंडा पानी है। ठंडे पानी से जो ग्लूटेन की जो कंसिस्टेंसी है, ग्लूटेन का जो लेवल है, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो यहाँ पर बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से मोमोज ज्यादा वेट उठा पाएंगे। वेट उठाने की वजह से वो ज्यादा फिलिंग होंगे, फटेंगे नहीं। ये डिफरेंस बहुत जरूरी है, ध्यान रहे। मैंने यहाँ पर 2 कप में 1/2 कप पानी यूज किया है, तो आप यहाँ पर 1 कप मैदे में 1/4 कप पानी यूज कर लेना। खैर, आप देखना कि बहुत आराम से आटा यहाँ पर एक साथ जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद मैंने इसको काउंटर पे रखा है और थोड़ी देर तक इसको नीड कर लिया है, यानी कि थोड़ी मेहनत लगाई है। 2 से 3 मिनट ही आपको करना है जब तक आटा थोड़ा सा स्मूथ नहीं हो जाता। ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर कि ना मैंने इसमें तेल यूज किया है, ना मैंने घी यूज किया है, कुछ नहीं यूज किया, सिर्फ ठंडा पानी किया है, और वो ही बहुत मेजर डिफरेंस लेकर आएगा मोमोज की शीट में। तो बस आप ये देखो स्मूथनेस आ गई है इसमें, तो इसको आप कवर करो क्लिंग रैप से या थोड़े से गीले कपड़े से भी कर सकते हो, और सीधा ही इसको आपने डालना है फ्रिज में। हाँ, ये है डिफरेंस यहाँ पर। फ्रिज में डालने से जो एक इंटेंसिटी होती है डो की, वो थोड़ी सी हार्डनेस में आ जाती है, फर्मनेस में आ जाती है। अगर जब तक हमारा डो फ्रिज में रेस्ट कर रहा है तब तक हम यहाँ पर बाकी चीजें तैयार कर लेते हैं, यानी कि अपनी स्टफिंग। स्टफिंग बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पर 2 प्याज एकदम फाइनली कटे हुए लिए हैं, मैंने यहाँ पर कैप्सिकम भी ली है, थोड़ी सी हरी मिर्च भी काट के ली है, इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर गाजर घिस के ली हुई है और पत्ता गोभी घिस के ली हुई है। अब आपने बहुत बारी देखा होगा कि कुछ लोग स्टफिंग की बुनाई कर देते हैं या स्टफिंग को निचोड़ के सारा उसका पानी निकाल देते हैं। इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना आपने। जब हम कमर्शियली काम करते हैं तो इतना टाइम होता नहीं है कि आप यहाँ पर इसके पानी निकालो या उसकी बुनाई करो। शॉर्टकट में काम होता है, तो शॉर्टकट में कैसे होता है और उसको कैसे सही करा जाता है वो आप देखना। अब कुछ भी नहीं करना, बस आप इसमें नमक डालना, थोड़ी सी चीनी डालना। जी हाँ, बिल्कुल चीनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। आप चाहो तो आप यहाँ पर अजीनोमोटो भी डाल सकते हो, क्योंकि बहुत कॉमनली यूज़ होता है स्ट्रीट वेंडर्स के थ्रू। स्ट्रीट वेंडर्स क्या, अच्छी अच्छी जगहों में भी यूज़ होता है। आप चाहो तो आप डालना, अगर आपको ठीक नहीं लगता तो आप मत डालना। साथ में मैंने यहाँ पर काली मिर्च डाली है, काफ़ी सारी लहसुन भी आपने डालनी है, काफ़ी सारी अदरक भी घिस के डाली है मैंने यहाँ पर। और बस अब इन सब चीज़ों का आप अच्छे से मिला लो और थोड़ी देर के लिए ना इसको अलग रख देना, ताकि इसका जितना भी पानी है वो अपने आप ही नीचे आ जाएगा। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपने यहाँ पर डालना है स्टफिंग में, वो है मक्खन। मक्खन की बजाय आप यहाँ पर तेल भी डाल सकते हो, लेकिन मक्खन सैचुरेटेड फैट है, मॉइस्चर ज़्यादा होल्ड करता है, जिसकी वजह से मोमोज ज़्यादा जूसी बनेंगे। आप ये देखना, और इस मक्खन की वजह से या तेल की वजह से जो भी आप डालोगे, मोमोज की जो स्टफिंग है वो अंदर से एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, एकदम पक जाएगी, स्टीम की वजह से गल जाएगी, और तब बनेंगे एकदम परफेक्ट मोमोज। ये तो हो गई स्टफिंग की बात, अब डो की बात भी हो गई। अब थोड़ी देर हो गई, 10-15 मिनट हो गए हैं। डो को हमने निकाल लिया है रेफ्रिजरेटर से, डो भी सेट है। अच्छा, स्टफिंग की मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि ये देखो, मैंने आपको बोला था पानी नीचे आ जाता है, तो वो पानी आपको सेपरेट तो करना है, सारा पानी निचोड़ के नहीं निकालना। अगर आप वो कर दोगे ना तो स्टफिंग बिल्कुल ड्राइनेस में आ जाएगी। बहुत सिंपल सोल्यूशन है, आप एक कपड़ा रखना बोल के ऊपर, जितनी भी स्टफिंग है ना वो आप इसको इस कपड़े के ऊपर पलट देना, जितना भी एक्सेस पानी ड्रिप हो रहा होगा या ड्रिप होगा भी, ये देखो जो आपको बोल में नीचे दिख रहा है,
अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था ना कि शॉर्टकट मेथड करते हैं, तो अगर मोमोज की स्टफिंग में बहुत ज़्यादा पानी होगा तो जब हम उसको बंद करेंगे तो वो बंद ही नहीं होंगे, सील ही नहीं होंगे, क्योंकि स्किन जो है उसकी गल जाएगी। और अगर बहुत कम पानी होगा तो मोमोज बहुत ही ड्राई लगेंगे, चाहे वो वेज हो नॉन वेज हो, कोई भी मोमोज हो वो बहुत ड्राई लगेंगे, तो उसमें मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है। खैर ये सारी चीज़ें हो गई हैं, आपकी सेटिंग सारी हो गई, चलो अब फटाफट से मोमोज की स्किन बनाते हैं। तो बहुत सिंपल सा काम आपने करना है, डो लेना है थोड़ा सा और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है बिल्कुल ऐसे, और आपने उनको बॉल शेप में करना है। तो मैं तो ये करता हूँ कि बहुत सारे एक साथ निकाल लेता हूँ छोटे छोटे पार्ट्स, और फिर उसको आराम से छोटी छोटी बॉल्स में ऐसे हाथों में घुमा लेता हूँ। अब बस आप पहले थोड़ा सा करना, ये नहीं कि सारा कर लेना क्योंकि आटा सूखता भी है, तो इसलिए सारे एक साथ मत करना, थोड़ा सा पहले बॉल्स बना लेना, उसको साइड में रखना, उनकी स्किन बनाएंगे फिर बाकी करेंगे। अच्छा मैंने एक और चीज़ करी है कि जो मेरा काउंटर है उसमें हल्का सा मैदा छिड़क दिया है ताकि चिपके ना, ऐसा ना हो कि मैं बेल रहा हूँ और चिपके ना जाए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मैदा यूज़ करोगे तो ध्यान रहे आप मोमोज को शेप नहीं दे पाओगे और वो उनका टेक्सचर बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो सबसे पहले आपने जो एक बॉल है इसको पहले एक रोटी की तरह बेलना है, देखो गोल शेप आ गई है। अब आपने इसकी एजेस को पतला करना है, बहुत ज़रूरी है मोमोज में, नहीं तो मोमोज के जो जॉइंट्स होते हैं बहुत थिकनेस में लगते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, कच्चा कच्चा मैदा लगता है, नहीं वैसे नहीं बनाना हमें। बेसिकली आपने ये करना है कि राइट वाले हैंड से आपने ऐसे बेलना है सीधा सीधा, और जो लेफ्ट वाला हैंड है ना जो अंगूठा है उससे आप शेप देना, देखना आपको थिकनेस बार बार पता लगती रहेगी अंगूठे की वजह से। तो बस आपने सीधा बेलते जाना है, राइट वाले हैंड से आगे पीछे करना है और लेफ्ट वाले हैंड के जो अंगूठा है उससे आपने घुमाते रहना है। बस आप ये देखो सेंटर में हल्का सा थिकनेस है शीट में और साइड में एकदम पतला है, ताकि एकदम इवन जब हम शेप भी देंगे ना तब भी एकदम इवन रहेगा मोमो और एकदम परफेक्ट बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही मैंने सारी मोमोज की स्किन बना ली है, पहले उसको एक रोटी की शेप में बेला है, फिर बेलने से उसको पतला कर लिया कॉर्नर्स को, आपको एकदम परफेक्ट मोमोज की शीट मिल जाएगी। अब आती है बात मोमोज को शेप देने की। अब पहली बात तो यह कि मोमोज को शेप क्यों देते हैं, देखो शेप देने का बेसिक रीज़न ये है कि जो भी सॉस है चटनी जो उसके साथ होती है उसको उठाने के लिए, उसके अंदर डालने के लिए, ये रीज़न है। अच्छा दूसरी बात, मैंने इस वीडियो में स्पेसिफिकली आपके लिए इस मेथड से डिज़ाइन किया है कि पहले सबसे ईजी वाली शेप, फिर उससे डिफ़िकल्ट, ताकि आप आराम से प्रैक्टिस कर सको और बहुत आराम से घर पर बना सको। आप यहाँ पर सबसे पहले बीचों बीच मोमोज की स्टफिंग रखना, फिर बहुत सिंपल है जैसे हम गुजिया बनाते हैं ना, नीचे वाली साइड से आपने उठाकर दूसरी वाली साइड पे चिपकाना है। अब जो ये चांद बना है, इसकी दोनों एजेस पकड़कर आपने इसको जोड़ देना है, बस इतना सिंपल है ये वाला तरीका। इसको एक्चुअली में वॉन्टन कह सकते हैं या मोमोज की शेप भी कह सकते हो, जो आपको ठीक लगे, लेकिन ये सबसे ईजी मेथड है, इसको कोई भी कर सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आते हैं सेकेंड मेथड पे। सेकेंड मेथड बहुत सिंपल है, मेरा फेवरेट है क्योंकि इसको बनाना सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर एक बार ही ट्रिक आ जाए ना कोई भी बना लेगा। मोमोज की शीट में बिल्कुल बीचों बीच आप यहाँ पर मसाला भरना, इस वाले मेथड में आप देखना आपको प्लीट्स बनानी आ जाएंगी मोमोज की, बहुत सिंपल है, एक कॉर्नर से आप पकड़ना और अब आप प्लीट्स बनाना शुरू करना। अच्छा प्लीट्स बनाने की ना एक ट्रिक है, ये देखो जो मैं ऐसी जो मोड़ रहा हूँ, ये मोड़ने वाले पार्ट को आपको पिछले वाले पार्ट के, मैं यहाँ पर डॉट्स बना देता हूँ, आप देखो जैसे आपने प्लीट बनाई तो इसका जो बाहर वाला पार्ट है उसको पिछली प्लीट के अंदर वाले पार्ट से चिपकाना है, ये देखो इस डॉट को इस डॉट से, और बस ऐसे एक एक करके जब आप प्लीट्स बनाओगे एकदम परफेक्ट शेप निकल कर आएगी और मोमोज बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, है ना बहुत बढ़िया। सबसे सिंपल मेथड है ये वाला और इसमें शेप बहुत अच्छी लगती है। अब आते हैं इससे हल्के से और टिपिकल मेथड से, ऐसे ही करना है बीचों बीच आपने मोमोज का मसाला भरना है और प्लीट से प्लीट को मिलाना है, यानी कि अंदर वाली प्लीट से बाहर वाली प्लीट को मिलाना है, और बस आप एक एक करके ऐसे इसको जोड़ते जाना। इस वाले मेथड में ध्यान रहे जो राइट वाला अंगूठा है ना उसको मैं, क्योंकि मैं प्लीट से प्लीट को मिला रहा हूँ तो मैं इसको मूव करते रहा हूँ, तो इस वजह से बीच में यहाँ पर हॉलो है, इसलिए यहाँ पर मैंने बीच में इसको जोड़ा नहीं।
अब बहुत सिंपल काम आपने करना है, मैंने यहाँ पर स्टीमर रखा है, उसमें पानी डाल के रखा है। आप यहाँ पर मोमोज बनाने के लिए कोई भी बड़े बर्तन में पानी डाल के रखना, उसके ऊपर आप झाड़ी रख सकते हो और उसको कवर कर सकते हो। बहुत सिंपल है, बस ध्यान देने वाली बात यह है कि मोमो स्टीमर में आपने तेल अच्छे से लगाना है सारी तरफ। तेल अच्छे से ब्रश करने के बाद बस आप मोमोज लगाओ। इनको हमने स्टीम करना है लगभग 20 मिनट्स तक। जी हाँ, 20 मिनट्स बहुत जरूरी है। 20-25 मिनट सुन के मुझे पता है आप बोलोगे यार भरत भाई क्या बोल रहे हो, 20-25 मिनट कैसे हो सकता है। देखो सिंपल सा फंडा ये होता है कि मोमोज को जब पहले प्रिपेयर करते हैं तब उसको 10-15 मिनट्स पहले पकाते हैं, आधा कच्चा पक्का पकाते हैं। जब आपको बाद में सर्व करते हैं तो कई बारी वो 10-15 की बजाय और भी ज़्यादा स्टीम होते रहते हैं, तो आप देखो उनकी स्किन जो है वो और भी सॉफ्ट हो जाती है। तो एक ऑलमोस्ट आपको 20-25 मिनट्स चाहिए ही हैं कि अंदर से सॉफ्ट हो जाए, बाहर की स्किन एकदम अच्छे से गल जाए। अगर आप 10-15 मिनट के लिए करोगे तो मोमोज कच्चे कच्चे से लगेंगे। एंड आफ्टर 20 मिनट्स ये देखो एकदम परफेक्ट मोमोज। अब इनको निकाल लेता हूँ और निकाल के थोड़ी देर ठंडा करने के बाद, अरे इतना गरम गरम खाना बड़ा मुश्किल है, दांतों में लग जाएगा। थोड़ी देर ठंडा करने के बाद रुको मैं वो खोल के दिखाता हूँ। एंड हियर इट इज, है ना, कितना अच्छे से भरा हुआ मोमो। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो कि जहाँ पर जॉइंट है ना वहाँ पर मोटापन बिल्कुल भी नहीं है, एकदम परफेक्ट है। नीचे से भी पतला है, स्किन ऊपर से भी पतली है और भरा हुआ बहुत है। ऐसा ही मोमो अच्छा लगता है, राइट। अब मुझे मोमोज के बारे में इतना कैसे पता है? उसका रीज़न ये है कि मैंने सालों इस पर मेहनत करी है और फूड कंसल्टेंसी के करियर में इस पर बहुत काम किया है, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स के साथ, इसलिए। और मैं आपको प्रूव भी करता हूँ कि इस आटे का कितना बेनिफिट है। अगर मैं मोमोज को ऐसे उछालूंगा भी, फेंकूंगा भी, या बहुत सारे एक साथ लगातार बार बार मोमोज ऐसे पकाऊंगा तब भी वो फटेंगे नहीं, लेकिन जब मैं उसको खोलूंगा तो आप ये देखो, है ना, कितनी पतली स्किन। यही पहचान है एक बढ़िया मोमोज की, स्किन सॉफ्ट हो, हम खाएं, मुंह जाए, घुल जाए, बहुत बढ़िया स्वाद आए, मज़ा ही आ जाए। तो इसी बात के लिए इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चाहते हो कि मैं चटनी की वीडियो डालूं, मेयोनीज की वीडियो डालूं या नॉनवेज मोमोज की वीडियो डालूं, तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं वो ज़रूर डालूं।